नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर देश प्रदेश के बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। मौत का आंकड़ा नहीं घट रहा, बीते 24 घंटे में 3380 मरीजों की गई जान, 1,20,000 से ज्यादा नए केस मिले। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 523 नए मरीज, 50 मौतें हुई दर्ज। ताऊते तूफान में बारिश भी, 305 के लापता कप्तान के शव की हुई पहचान। गुजरात में 15 जून से राज्य में लागू होगा लफ्ज जिहाद कानून, दोषी पाए जाने पर 10 साल की होगी सजा। बंगाल में टीकाकरण के प्रमाण पत्र पर विवाद बढ़ा, पीएम मोदी की जगह लगेगी सीएम ममता बनर्जी की तस्वीरें। आर पार ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के निजी हैंडल से हटाया ब्लू टिक, आरएसएस नेताओं के हैंडल पर कार्यवाही। ट्विटर के खिलाफ एक्शन के मूड में सरकार, आज ट्विटर को नोटिस भेज सकती है सरकार। ट्विटर की सफाई, लंबे वक्त से लॉगिन नहीं हुआ था उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का अकाउंट, इसलिए हटाया गया ब्लू टिक। ट्विटर का एक और बड़ा एक्शन, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से ब्लू टिक हटाया। जेपी नड्डा के घर आज अहम मीटिंग, आगामी चुनावी राज्यों की रणनीति पर चर्चा की संभावना। तमिलनाडु में 14 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, कुछ जिलों में राहत भी मिलेगी। प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर लिखा, जिनके ऊपर देश बचाने की जिम्मेदारी थी वो चेहरा चमकाते रहे। नागिन फेम पर्ल पुरी समेत 6 पर रेप का केस दर्ज, सभी आरोपी पुलिस हिरासत में। अनीता हसनदानी ने पर्ल वी पुरी पर लगे रेप के आरोपों को बताया बकवास, बोली सब झूठ है। रिटायर्ड जस्टिस बालकृष्ण नारायण उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन नियुक्त हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 49वां जन्मदिन, पीएम मोदी और अमित शाह ने सीएम योगी को फोन पर दी जन्मदिन की बधाई। मेघालय में पूरे राज्य में 7 जून से 14 जून तक बढ़ाएगा लॉकडाउन, सभी तरह के जमावड़ों पर रोक। बंगाल में दिलीप घोष की बैठक में हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही किया घेराव। यूएई में होगा T20 वर्ल्ड कप का आयोजन, पीसीबी चेयरमैन ने किया दावा। विश्व पर्यावरण दिवस पर अमित शाह का ट्वीट, प्रकृति का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी भी और कर्तव्य भी। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर।